नमस्कार, केटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आपने ग्रेजुएट चाय वाले की कहानी तो सुनी होगी और आत्मनिर्भर चाय वाले की कहानी भी, लेकिन आज हम आपको कटिहार के एमए पास कर चुके और वे चाय बेच रहे हैं ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं आमिर इस्तकबाल करता हूं केटीएन न्यूज में। कटिहार में एमए पास कर चुके डिग्री वाले अजय, जो कि एनएच 31 पर डुमर चौक के पास अपना चाय दुकान चला रहे हैं। इस चाय दुकान में शुद्ध क्वालिटी के पेरा और घी और दही भी उपलब्ध है। दरअसल ये इलाका देरा क्षेत्र से सटे हुए होने के कारण कभी अपराध के गढ़ के रूप में जाना जाता था, मगर आज इस तरह के सोच वाले युवाओं ने इलाके की फिजा ही बदल डाली है। अब दूर दराज से यात्रा करने वाले लोगों के लिए एमए पास कर चुके चाय वाला का ये टी स्टॉल नया डेस्टिनेशन बनते जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस में एमए पास करने वाले युवक कहते हैं कि इतने बड़े डिग्री होने के बावजूद कुछ दिन बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया है, लेकिन अपने भाइयों के साथ इस काम में हाथ बटाने के दौरान उन्हें इस काम में अधिक मुनाफा लगा और अब इसलिए इस काम से जुड़ गए। मेरे पास डिग्री वाले हैं, फिर भी चाय के व्यापार से जुड़े, क्या कारण है, कहां से प्रेरित हैं? सर, हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित हैं कि जब वो एक चाय बेचकर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हम भी एमए किए हैं तो चाय बेचकर हम भी कुछ कर सकते हैं, अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या है इस चाय बेचने के पीछे का कारण क्या है? सर, 8 भाई बहन में बड़े हैं सर, तो सभी का जवाबदेही हमारे पास है, लेकिन हमसे छोटा ज़्यादा मतलब कि पैसा कमाते हैं, मेरा छोटा दोनों भाई, तो हम भी चाहते हैं कि बड़ा होने का कि हम भी ज़्यादा पैसा कमाएं, जो मैं अपने भाई बहन का परिवार का मम्मी पापा का भरण पोषण करें। किस सब्जेक्ट में किए हैं? सर, पॉलिटिकल से किए हैं सर। आगे क्या चाहते हैं इस चाय दुकान से? सर, आगे तो बहुत सर लंबा ख्वाहिश है कि हम बीपीएससी तैयारी करें, लेकिन चाय के काउंटर पर से सर होना मुश्किल है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि बीपीएससी निकाल पाएँ, यूपीएससी निकाल पाएँ। जब तक मेरा उम्र है, एज है एग्जाम देने का, हम पूरा प्रयास करेंगे। क्या सर? अजय कुमार यादव। चाय की चुस्की लेने पहुंचे स्थानीय बराड़ी विधायक विजय सिंह, कहते हैं आत्मनिर्भरता के ऐसे ही पाठ से आने वाले युवाओं को सीख लेने की जरूरत है। साथ ही विधायक विजय सिंह कहते हैं कि राज्य सरकार ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आसान किस्तों पर, आसान दरों पर बैंक ऋण का भी व्यवस्था करवाया है। अगर अजय चाहे तो उन्हें इस दुकान को और आकर्षक बनाने के लिए यह सुविधा उपलब्ध करवाने में वह मदद करेंगे। मेरे पास चाय वाला, आप भी चाय का चुस्की लेने, क्या खासियत है, किस तरह का युवा मोटिवेट है? देखिए, यह डुमर चौक है, डुमर चौक यहाँ पे चाय और यहाँ के जो पेड़ा है ना, पूरे बिहार में नामी है। लोग पटना से आने और जाने वाले जो भी लोग हैं, यहाँ कम से कम रुक करके यहाँ की चाय और यहाँ के पेड़ा तो कम से कम खाता ही खाता है। तो आज ये हम लोग एमए पास, हमारे अजय जी हैं जो छुहार पंचायत से रहने वाले हैं, अजय यादव जी हैं, इन्होंने 2018 में एमए की पढ़ाई करके 18 में और पॉलिटिकल साइंस से इन्होंने एमए किया है, लेकिन ये शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, कोचिंग चलाते थे और कोचिंग में इनको 10-15 हज़ार रुपया बच जाता था, लेकिन इनके इनको एक छोटा भाई है, इन्होंने कहा कि भाई आप ये डुमर जो प्रसिद्ध जगह है यहाँ पे चाय बेचिए और इससे आमदनी बढ़ेगा, तो इनसे अब इनको यहाँ पे चाय भी बेच रहे हैं और लोगों से स्टाफ भी रखे हुए हैं, तो ठीक है, इनको चाय पसंद है, चाय बेचना किसी को गलत काम नहीं है, लेकिन सरकार भी ऐसे लोगों को स्वरोजगार के तहत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपये लोन देती है, ताकि जो हमारे लोग हैं जिसको रोजगार नहीं मिल पाया, जो उसको नौकरी नहीं मिल पाया, वो अपना स्वरोजगार कर सकता है। उसमें 5 लाख तो सब्सिडी है, अब 5 लाख रुपया जो है 84 किस्तों में देना है, तो इस योजना का भी इनको लाभ लेना चाहिए, ताकि जो यदि इसी व्यवसाय में जुड़े हैं तो एक आधुनिक दुकान बनावे और लोग यहाँ चाय पीने आवे। अजय जी को हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि चलिए आप शिक्षा से जुड़े हुए, शिक्षा क्षेत्र को भी आपको पसंद करना चाहिए।